हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 18 बी क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 18 बी। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज वन साइड इज, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है और उसकी साइड हमें गिवन है, दी हुई है। तो देखिए आंसर नंबर 4 ई पार्ट, जैसे मैंने यहां किया, साइड हमें 2.5 सेंटीमीटर गिवन है, पहले से दी हुई है और एरिया निकालना था। और एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर का क्या था, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड हो गया, यानी 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 आंसर आ गया 6.25। ये क्यों आया देखो मैं करके दिखा देता हूं, आप भूल गए होंगे डेसिमल का मल्टीप्लाई करना शायद, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जा 25, 2 5 10 11 12 ये हो गया ये। अब इसी तरह जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 ये हो गया 5 2 6। अब इसमें पॉइंट कहां, तो काफी बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करेंगे, पॉइंट के बाद पॉइंट यहां, तो बस ऐसे सोचेंगे पॉइंट भी यही लगा दो, रॉन्ग हो जाएगा। डेसिमल का रूल क्या बताया था, मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट के बाद एक डिजिट इसमें एक इसमें, टोटल कितनी हो गई 2 डिजिट, तो आंसर में भी 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे 6.25। ये मैंने डेसिमल फिर से रिपीट कर दिया है, अच्छे से आप समझ गए हैं मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं डेसिमल नंबर्स में। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके बुक में ही आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है विच स्क्वायर यूनिट वुड यू यूज टू मेजर द एरिया ऑफ, जैसे आपको ये बताना है यहां पर अलग अलग चीजें दी हैं और उनका एरिया आपको बताना है कि सेंटीमीटर में सही रहेगा या मिलीमीटर में सही रहेगा या मीटर स्क्वायर में या किलोमीटर में निकालना चाहिए, किसका एरिया कौन सी यूनिट में निकालना चाहिए, ये हमसे पूछा गया। तो जैसे पहला एग्जांपल है पेज ऑफ दिस बुक, इस बुक का जो पेज है इसका एरिया अगर हमें निकालना हो तो हम किस में निकाल देंगे, जैसे इसने बताया सेंटीमीटर। देखो आपको मैं पहले भी बता चुका था ज्यादा बड़ी चीजें हैं किलोमीटर स्क्वायर में एरिया निकालेंगे, थोड़ी उससे छोटी है तो मीटर स्क्वायर में निकालेंगे, इससे भी छोटी है तो सेंटीमीटर, और जो सबसे छोटी छोटी चीजें हैं उनका एरिया निकालने के लिए मिलीमीटर स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि पेज सेंटीमीटर में निकालेंगे, मिलीमीटर तो ज्यादा छोटी चीजों के लिए करते हैं, तो पेज का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। स्टैंप जो हमें पोस्ट कार्ड पे उस पे लेटर्स वगैरह पर स्टैंप चिपकाते थे तो वो छोटी सी स्टैंप होती है, तो उसको उसका एरिया हम किस में निकालेंगे, मिलीमीटर में निकालेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर में। क्लासरूम फ्लोर, जो क्लासरूम का फ्लोर है वो देखो मीटर सॉरी मिलीमीटर या सेंटीमीटर में नहीं, वो थोड़ा बड़ा है तो किस में निकालेंगे, मीटर स्क्वायर में निकाल देंगे उसका एरिया। फिर दहली, पूरी दहली का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, उसके लिए दहली का एरिया निकालना है तो उसके लिए मीटर या किससे बात नहीं बनेगी, मीटर सेंटीमीटर से, उसके लिए किससे बात करनी पड़ेगी, हमें किलोमीटर स्क्वायर में उसका एरिया निकालना होगा। चलिए उसके बाद ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का अगर एरिया निकालना हो तो किसमें निकालेंगे, मीटर स्क्वायर में निकाल दीजिए। इंसेक्ट विंग, किसी जानवर का छोटा सा विंग जो होता है उसका एरिया निकालना हो तो मिलीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे। द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का एरिया निकालना है तो हम किसमें निकालेंगे, किलोमीटर स्क्वायर में। स्पोर्ट्स फील्ड का एरिया किसमें निकालेंगे हम, मीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से थे ये। और क्वेश्चन नंबर 6 उसमें भी इसी तरह से पूछा गया है, बताइए एनवलप का एरिया इनमें से क्या हो सकता है। तीन ऑप्शन आपके पास, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 मिलीमीटर स्क्वायर और 200 मीटर स्क्वायर, तो तीनों में से एनवलप का एरिया क्या होना चाहिए बेटा, सेंटीमीटर, क्योंकि एनवलप की साइज भी लगभग इस तरह से होती है, तो इसका एरिया हम सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट का आंसर क्या हो गया है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो ए पार्ट है इसका आंसर हो गया है फर्स्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया होगा, यानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो सकता है। चलिए बी पार्ट में हमसे पूछा गया कि पेज ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का जो पेज होता है उसका एरिया किसमें निकालेंगे, मिलीमीटर तो ज्यादा छोटा होगा, उससे बड़ा सेंटीमीटर, तो इसका आंसर भी वही
सेकंड पार्ट हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी ये लिखा था 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे तो बस ये देखना था, ये नहीं कि लेंथ ब्रेड तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो एरिया तो हम निकाल ही नहीं सकते। हमें पता था आइडिया लगाना है कि भाई एनवेलप का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए, न्यूज़पेपर का एरिया वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होना चाहिए, मिलीमीटर तो ज्यादा छोटा हो गया, मीटर ज्यादा बड़ा हो गया, तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर के आंसर होंगे। क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यस आंसर नंबर 7, देखिए उस करने से पहले क्वेश्चन हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया, मैरी इज मेकिंग ए क्विल्ट। क्विल्ट का मतलब होता है जैसे आपके रजाई का जो कवर होता है या बेडशीट टाइप रजाई जैसी जो होती है, तो वो चीजें उसे क्विल्ट कहा जाता है। तो ए क्विल्ट फ्रॉम स्क्वायर पीसेस, स्क्वायर पीसेस को जोड़कर बना रहे थे, इस तरह से कोई बनानी है और उसमें ऐसे बहुत सारे स्क्वायर पीसेस लगे हुए हैं अलग अलग कलर के, मान लीजिए तो इस तरह से पीसेस उसमें लगे हुए हैं जैसे कि मैंने यहां डायग्राम पर बताया। अब इसमें कहा गया एक साइड में जो स्क्वायर पीसेस छोटे छोटे पीसेस जोड़ जोड़ के बना रहे हैं, तो एक साइड में तो 15 लगा रहे हैं और दूसरी साइड में 10 पीसेस, तो बताइए इसके अंदर टोटल पीसेस कितने आए चाहिए। तो क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा है, 15 × 10 टोटल हमें आ गया 150। जैसे आपने चेस बोर्ड देखा है, चेस बोर्ड में स्क्वायर होता है वो चेस बोर्ड, तो आपने वाउस में देखा होगा 8 बॉक्सेस इस तरह बने होते हैं और 8 ही इधर नीचे की इस साइड में बने होते हैं, 8 बॉक्स बने होते हैं ऐसे भी ऐसे भी, तो टोटल बॉक्स कितने हो गए, क्या करते हैं हम 8 × 8 = 64, तो चेस बोर्ड में कितने हो गए 64। उसी तरह से यहां पर टोटल कितने पीसेस चाहिएंगे, 15 × 10, पता चल गया टोटल 150 पीसेस हमें चाहिए उसके लिए। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं आई कुछ भी करने की एक्स्ट्रा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि एक वॉच है, एक वॉच है और उसका फेस यानी ये जो फेस है इसका हमें एरिया निकालना है। बताया गया वॉच दैट इज 25 मिलीमीटर वाइड एंड 23 मिलीमीटर हाइट। 25 मिलीमीटर तो वो चौड़ी है और 23 मिलीमीटर वो ऊंची है, ठीक है हमने लिख दिया। अब देखिए फिगर से समझ में आ रहा है, देखो लेंथ ब्रेड्थ लिखा है इसमें, ये नहीं लिखा लेंथ, हम खुद समझते हैं जो लंबी साइड होती है वो लेंथ और जो छोटी साइड होती है वो ब्रेड्थ कहलाती है। तो हमने देखा तो इसका एरिया निकालना है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो ए लेंथ ऑफ फेस ऑफ वॉच 25, ब्रेड्थ ऑफ फेस ऑफ वॉच 23 मिलीमीटर, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 575 मिलीमीटर स्क्वायर। याद रखना बेटा एरिया जब भी निकाले तो ये ऊपर स्क्वायर लगना जरूरी है, ये जरूर याद रखें कि ये नहीं लगाया तो ये एरिया माना ही नहीं जाएगा, तो ध्यान रखें ऊपर ये एरिया लगा दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, एरिया निकालना था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यस अब हम देखते हैं आंसर नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, मैं रीड कर रहा हूं, देखिए कंपेयर द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन 15 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड, यानी आपको कंपेयर करना है, तुलना करनी है, इसके अंदर स्क्वायर और रेक्टेंगल दो चीजें दी हैं, तो मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल अलग अलग लिख लिया। स्क्वायर जिसकी साइड 15 सेंटीमीटर है एंड ए रेक्टेंगल 11 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको कंपेयर करना था स्क्वायर और रेक्टेंगल को, स्क्वायर जिसकी साइड 15 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर है, इनके एरिया को कंपेयर करना है। और क्वेश्चन पूछा गया विच फिगर हैज द ग्रेटर एरिया एंड बाई हाउ मच, किसका एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो चलिए हम इसका एरिया निकालते हैं दोनों फिगर्स का, स्क्वायर का एरिया, साइड हमें 15 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर, आंसर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर।
उसके बाद रेक्टेंगल लेंथ हमें 11 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एरिया हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों के एरिया हमने निकाल दिए। अब क्वेश्चन था विच फिगर हैज मोर एरिया, सो स्क्वायर हैज ग्रेटर एरिया, और कितनी ज्यादा है तो हम लिखेंगे बाय और उसके बाद 225 माइनस 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे माइनस करने पर आ गया 137, यानी स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल से 137 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यस लास्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक बार रिपीट करता हूं, देखिए 9 के जैसे ये है। ए रेक्टेंगुलर फील्ड मेजर 400 मीटर बाई 100 मीटर, यानी रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ 400 है और ब्रेड्थ 100 मीटर है। एंड ए स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड भी है हूज साइड इज उस फील्ड 200 मीटर बाई 200 मीटर, यानी उसकी साइड क्या है 200 मीटर। तो रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड हमें दी हुई है, स्क्वायर की साइड हमें दी हुई है। ए पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया डू द टू फील्ड्स हैव द सेम एरिया, क्या इन दोनों फील्ड्स का एरिया सेम है। तो हमने क्या किया, दोनों का एरिया निकाला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड से, साइड मल्टीप्लाई साइड, ये आ गया 40,000 मीटर स्क्वायर, ये भी आ गया 40,000 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन था डू द टू फील्ड्स हैव सेम एरिया, हमने आंसर लिखा यस बोथ हैव सेम एरिया। अब बी पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच फील्ड रिक्वायर्स मोर फेंसिंग, यानी एक तो भाई रेक्टेंगल था और एक स्क्वायर था, तो बताइए किस में फेंसिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। फेंसिंग का मतलब चारों तरफ तार लगाना है। अब चारों तरफ तार लगाना है तो एरिया से थोड़ी ना पता चलेगा, किससे पता चलेगा, पेरीमीटर निकालने से पता चलेगा कि किसकी साइड्स की लंबाई ज्यादा आती है। तो हमने क्या किया, दोनों का फिर पेरीमीटर निकाला। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई साइड, और हमने पेरीमीटर इस तरह से निकाला 1000 मीटर तो रेक्टेंगुलर फील्ड का आ गया और स्क्वायर का आ गया 800 मीटर, यानी अगर रेक्टेंगल के चारों तरफ तार लगाएंगे तो कितना चाहिए 1000 मीटर, और स्क्वायर के चारों तरफ तार लगाएंगे तो कितना चाहिए 800 मीटर। तो किसकी फेंसिंग ज्यादा है, रेक्टेंगुलर फील्ड की। तो हमने आंसर लिखा सो रेक्टेंगल रिक्वायर मोर फेंसिंग बाय, और कितनी ज्यादा है माइनस करके हमने बताया 200 मीटर, यहां रेक्टेंगुलर फील्ड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हो गया, दो पार्ट थे, एक में एरिया के बारे में था कि किसका दोनों का एरिया सेम है या नहीं, हमने बताया यस बोथ हैव सेम एरिया। इसके बी पार्ट में था कि किसमें फेंसिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, और फेंसिंग वर्ड आते ही पहले भी बता चुका हूं फेंसिंग मीन्स पेरीमीटर से हम यहां बात कर रहे हैं। तो पेरीमीटर दोनों का निकाला और बता दिया हमने फेंसिंग कहां रेक्टेंगुलर फील्ड में ज्यादा करनी पड़ेगी, कितनी ज्यादा माइनस करके हमने बताया 200 मीटर फेंसिंग, यानी तार ज्यादा लगेगा रेक्टेंगल में बजाय कि स्क्वायर। ठीक है, तो ये था बेटा आपकी एक्सरसाइज 18B कंप्लीट हो गई है। आप भी इसे अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें, सोल्व करें, समझें और फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करें। ओके बेटा।